नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आइसक्रीम का डब्बा है छोटा सा, जिसमें मैंने ये प्लांट इस मेन प्लांट से कटिंग करके निकाल के लगाया था। तो ये छोटी सी कटिंग लगाई थी और काफ़ी बड़ा इसमें हो गया है। तो इसमें अब क्योंकि इसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो इसको ओवर वाटरिंग की गई है या फिर इसके पत्ते ख़राब क्यों होते हैं ओवर वाटरिंग से। ज़्यादा धूप में इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपने रख दिया, बहुत ज़्यादा ठंड में रखने से भी हो जाता है। साथ ही ये जो है रूट बाउंड से हो सकता है, तो रूट बाउंड इसकी हो गई है क्योंकि इसको एक साल से ज़्यादा इसी डिब्बे में हो गया है। तो अब इसको मैं ये 10 इंची का गमला है इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। बहुत ज़्यादा बड़े गमले की इसको ज़रूरत नहीं है, इसी में ये बड़ा हो जाएगा काफ़ी। और अगर आप इसको बहुत बुशी और पूरा बड़ा एकदम जाइंट एकदम इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़े गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो ये 10-12 इंच के गमले में आराम से चलता रहता है। तो इसको निकालने के लिए मिट्टी इसकी मैं ढीली कर लेती हूँ। वैसे तो रिपोर्टिंग जो है उसका सही समय मानसून सीज़न है, लेकिन इसके पत्ते क्योंकि ख़राब होते जा रहे हैं तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग जो है वो अर्जेंट करनी है। और इसके मरने के चांसेस ज़ीरो होते हैं, बहुत ही ऑड कंडीशंस में ये सरवाइव कर जाते हैं। बस ये है कि इनको डायरेक्ट हीट और डायरेक्ट बिल्कुल ठंड जो खुली होती है उससे बचाना होता है। और ये एक बार सूख जाते हैं तो भी ये दोबारा ग्रीन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी लंबी लंबी हो गई हैं, गोल गोल, और अब इनको जाने की कहीं पर जगह बिल्कुल नहीं मिल रही। बहुत थोड़ी सी इसमें मिट्टी थी और उसमें इतना अब इनके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं रहा बिल्कुल भी, और इसलिए अब ये इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी बड़ी और मोटी हो गई हैं और उनको फैलने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही। तो जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं थोड़ी बहुत इनको हम काट देंगे, जो इसके पास की जड़ें हैं उनको छोड़ देंगे और फिर हम इसकी मिट्टी थोड़ी ढीली करके इसमें रख देंगे। ये जो पौधा है ये हमारे जो आसपास का वातावरण है उसको साफ रखता है, साथ ही जो कीटाणु हैं हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं उनको भी ये सोख लेता है। बैड ब्रीथ को, ब्रेड जो स्मेल होती है उसको भी ये भगाता है। और ये आप इसको 3-4 दिन में एक बार धूप दिखाएं और बाकी आप इसको अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है और बेसिकली इसको इंडोर के लिए ही उगाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको अपने आंगन में या खुले में भी रखते हैं। तो ये दोनों तरह से सर्वाइव कर जाता है, लेकिन असलियत में ये क्या है कि ये इंडोर पौधा ही है। तो इसको मैंने अब इसमें लगा दिया है, इस मिट्टी में खाद ऑलरेडी है तो इसको अच्छे से इसमें लगा दिया है। और अब मैं इसमें अच्छी तरह से पानी दे दूंगी, इसमें मिट्टी चारों तरफ फैला दी है। अब ये इतना बड़ा है कि ये इस सीज़न में बहुत अच्छे से ये बरसात में ग्रो होगा और बहुत अच्छा फैल जाएगा। बरसात के दिनों में ही कटिंग, और जो ये है कटिंग फरवरी में होती है और बरसात के दिनों में भी कटिंग होती है, साथ ही रिपोर्टिंग बरसात के दिनों में होती है। तो इसकी कटिंग मैं बरसात के दिनों में कर दूंगी, जिससे कि उस समय जो है इसके जो दो और इसके आसपास दूसरे जो हैं प्लांट्स हैं वो निकलने शुरू हो जाए। तो पानी इसको पहली बार में, क्योंकि बिल्कुल सूखी मिट्टी है, अभी मैं इसको भर भर के दे दूंगी, लेकिन इनको कम पानी चाहिए होता है। ओवर वाटरिंग से जड़ें ख़राब हो जाती हैं, पत्ते पीले पड़ने या गलने शुरू हो जाते हैं। तो इनके जो इंडोर प्लांट्स हैं ज़्यादातर सभी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब 1 इंच अंदर तक मिट्टी सूख जाए तब इसको पानी देना है, बहुत ज़्यादा भर भर के पानी देने की इनको ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट मैंने ख़रीदा था और एक ही प्लांट ख़रीदा था, आप देख सकते हैं इसकी जड़ों से ही 2-3 नए प्लांट बन के आ रहे हैं। इसमें रूट प्रोपेगेशन भी होती है और कटिंग से भी ये उग सकता है। जो दूसरा प्लांट है ये कटिंग से उगाया है, और बरसात के दिनों में ये जो दो रूट से जो दो पौधे और निकल रहे हैं इनको अलग करके हम दो और प्लांट बना सकते हैं। इस तरह से ये जो पौधे हैं एक बार इनको ख़रीदो तो दोबारा इनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये हमारे गार्डन से बिल्कुल भी नहीं जाते। ये बहुत कम केयर में हो जाते हैं, बहुत ही हार्डी पौधा है।